Hello students, this is Chiranjit Malik and today we will study about the agents of pollination. So up to the last lecture we already have studied about the pollination. ठीक है, pollination कैसे होता है और क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और उसके टाइप्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो हम लोग देखते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में तो आसान है क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल जाएंगे. लेकिन जो जीनोगेमी होता है, जिनमें जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उनमें क्या होता है कि पॉलेंस को फीमेल पार्ट तक ले जाना पड़ता है ना, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाना होता है. तो ये इतना आसान नहीं होता है कि फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाना, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन मोटाइल होता है. नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था जब सेल्स क्लास 11th में हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल्स में मूवमेंट करने के लिए एक सेल ऑर्गेनेल अलग से होता है जिसे हम लोग सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं. लेकिन जब हम लोग जब हमने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तब हमने देखा कि पॉलन ग्रेन में ना तो सीलिया या ना तो फ्लैजिला है, यानी कि पॉलन ग्रेन खुद से मूव नहीं कर सकता है. और क्योंकि ये खुद से मूव नहीं कर सकता है तो इसे एक मीडियम चाहिए होगा ताकि वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच सके, है ना. तो उसे एक मीडियम चाहिए होगा क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता है, उसे किसी को ले जाना होगा, है ना. जैसे कि अगर किसी के किसी का मूवमेंट के लिए ऑर्गन नहीं हो, जैसे जो दिव्यांग होते हैं ना, जिनके पैर नहीं होते हैं तो वो खुद से मूवमेंट नहीं करता कर पाता है, उसको एक मीडियम चाहिए होता है, एक सहारा चाहिए होता है जिसके थ्रू वो दूसरे जगह जा सके, इजंट इट. तो पॉलन ग्रेन का भी कुछ यही हाल है कि वो खुद से मूव नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें मूवमेंट के लिए कोई सेल ऑर्गनल है ही नहीं, तो उसको मूवमेंट के लिए एक मीडियम चाहिए होता है. उन्हीं मीडियम्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो पॉलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, दैट इज दे डोंट हैव एनी सीलिया और फ्लैजिला. क्योंकि पॉलन ग्रेन में किसी भी तरीके का सीलिया या फ्लैजिला नहीं होता है, सो पॉलन ग्रेन्स में मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, सो दस दे नीड अ मीडियम और एजेंट विच कैन कैरी और ट्रांसफर देम टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट. ठीक है, जो कि उन्हें कैरी कर सके और ट्रांसफर कर सके उन्हें स्टिग्मा, किसी फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक. सो एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, या एक मीडियम कह लो, एक मीडियम या एजेंट कह लो, तो उसकी जरूरत पड़ती है जो कि उसको फीमेल के स्टिग्मा तक ले जा सके. सो ये एजेंट्स मे बी बायोटिक और ए बायोटिक, यानी कि ये एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं, ए बायोटिक भी हो सकते हैं. यानी कि जो मीडियम उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेकर जाएगा वो या तो लिविंग बींग हो सकता है या नॉन लिविंग बींग भी हो सकता है. तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फ्लावर में अलग अलग मीडियम होता है ले जाने के लिए. तो उन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, एबायोटिक के बारे में भी और बायोटिक के बारे में भी, और किस फ्लावर में किस टाइप का मीडियम यूज़ होगा उसमें, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे. हाँ, क्योंकि अलग अलग फ्लावर में किसी में एक फ्लावर में ए बायोटिक यूज़ होता है और दूसरे में बायोटिक यूज़ होता है. तो बायोटिक मान लो कि जैसे इंसेक्ट हो या फिर तुम्हारा कोई एनिमल हो, उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे ही नहीं आएगा फ्लावर का, कोई भी बिना मतलब का कोई काम नहीं करेगा. क्यों करेगा किसी का काम कोई भी बिना मतलब का? तो उसे अपने और अट्रैक्ट करना होगा, उसे कराने के लिए कुछ देना होगा उसके बदले, तब जा करके वो पॉलिनेशन कराएगा. सो बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करने के लिए उसे उस एनिमल या फिर इंसेक्ट को भी कुछ देना पड़ता है. तो उन सब के बारे में स्टडी करेंगे कि उसके लिए फ्लावर में उनका फ्लावर किस टाइप से होता है. ठीक है, और ए बायोटिक के लिए तो कुछ सोचना नहीं है क्योंकि वो तो नॉन लिविंग बींग होगा, तो उसे कुछ देना नहीं है. लेकिन फिर भी अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन लाना होगा ताकि वो ए बायोटिक, जैसे विंड हो गया या फिर वाटर हो गया, सो अपने आप में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा उस फ्लावर को ताकि वो विंड और वाटर के थ्रू आसानी से फीमेल के स्टिग्मा तक जा सके. ठीक है, सो अलग अलग फ्लावर क्या क्या मॉडिफिकेशन लाते हैं अपने अपने एजेंट्स के हिसाब से, वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया कि दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक. एबायोटिक में क्या क्या हो गया? विंड और वाटर. बायोटिक में क्या क्या हो गया? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, एंट्स एंड इवन बाय सम रेप्टाइल्स. ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, हमारा हनी बी, मॉथ, ये सब आ गए इंसेक्ट्स में. ठीक है, बर्ड्स में क्या आ जाएगा? बर्ड्स में जैसे हमिंग बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड भी
और जो भी छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो लोग भी क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन उसका फूल के रस को चूसने के लिए उस पर बैठते हैं, तो वो सब भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। बैट्स भी मदद करता है, यानी कि चमगादड़, एंट्स, है ना, और बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स भी देखे गए हैं, रेप्टाइल्स जो हैं जैसे कि कैमेलियन हो गया, तो वो सब भी मदद करते हैं एजेंट के फॉर्म में पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करने के लिए। समझ गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग पहले एबायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एबायोटिक एजेंट्स में कौन कौन है, विंड और वाटर, ठीक है। विंड और वाटर ही ऐसे एबायोटिक एजेंट्स हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है बहुत सारे फ्लावर्स में। एबायोटिक एजेंट्स में देखो, एबायोटिक एजेंट्स में दो ही पढ़ने हैं हम लोग को, विंड और वाटर। विंड और वाटर में से जो ज़्यादा कॉमन है वो कौन है, बाय विंड, ठीक है। विंड से ही ज़्यादातर पॉलिनेशन होता है इन कंपेरिजन टू वाटर। हम पूरे का बात नहीं कर रहे, पूरे का बात नहीं कर रहे, पूरे में तो सारा कुछ आ जाएगा, विंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ अगर एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो एबायोटिक एजेंट में से ये विंड जो है वो ज़्यादा कॉमन, तो मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट। द पॉलेंस ऑफ दिज फ्लावर्स मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब देखो किसमें किसमें कोई भी फ्लावर ऐसे ही नहीं करने लगता है, ठीक है ना, कि एबायोटिक एजेंट्स हमको करना है, वैसे नहीं होता है। किसी भी फ्लावर का बायोटिक एजेंट या एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होने के लिए उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ऐसा क्या होता है कि उसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू ही होता है? आखिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स को जानते हैं कि आखिर किस वजह से इसमें विंड के थ्रू ही होता है, वाटर से नहीं होता है। सो देखो, अगर किसी फ्लावर को अपने पॉलन ग्रेन को विंड के थ्रू भेजना है स्टिग्मा तक, तो उसे क्या होना पड़ेगा, उसके पॉलन को लाइट और नॉन स्टिकी होना होगा, हल्का होना होगा और नॉन स्टिकी होना होगा, ठीक है, यानी चिपकने वाला नहीं होना होगा। चिपकने वाला होता है तो फिर कहीं भी जाके चिपक जाएगा, इसीलिए उसे नॉन स्टिकी होना होगा और लाइट होना होगा, हल्का होना होगा। हल्का होगा तभी हवा का जो प्रवाह है उसे बहा कर ले जा सकता है, अगर भारी होगा तो कम दूर में ही जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लाइट होना चाहिए उसको, हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, बिना चिपकने वाला होना चाहिए। पॉलेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, और ऐसे फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि हमारे लेफ्ट साइड में इसका प्लांट है, जैसे मान लेते हैं कि राइस, ठीक है, राइस को पॉलिनेशन करना है, तो राइस को पॉलिनेशन करना है तो राइस का जो मेल मेल प्लांट है वो पॉलन प्रोड्यूस किया, राइस प्लांट के लेफ्ट साइड में एक फीमेल प्लांट है तो लेफ्ट साइड में वो उसको भेजना चाहता है अपने पॉलन को। लेकिन मान लो कि विंड का डायरेक्शन उल्टा हो, तब विंड का डायरेक्शन उल्टा हो तो वो फिर दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या कर, इसमें क्या होता है, पॉलन की बहुत सारी बर्बादी होती है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन जो है वेस्ट होता है। अब मान लो कि अगर कम पॉलन ग्रेन ये प्रोड्यूस करता तो क्या क्या दिक्कत हो सकती थी, कि अगर कम पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता तो पॉलिनेशन का चांस बिल्कुल जीरो, जितना कम पॉलन ग्रेन उतना चांसेस कम होंगे पॉलिनेशन का। तो इसीलिए पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए इसको अपने पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने होंगे, ताकि कोई ना कोई पॉलन ग्रेन तो जाकर के वहाँ पर गिर ही जाएगा, समझ में आ रहा है। सो इसीलिए पॉलेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉलन का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। सो द स्टेमेन एंड स्टिग्मा मस्ट बी वेल एक्सपोज्ड, इसमें स्टिग्मा और स्टेमेन दोनों को ही वेल एक्सपोज्ड रहना होगा, हवा में रहना होगा, है ना, अच्छे से हवा में रहना होगा ताकि हवा जो है आसानी से उसको ले जा सके। अब जैसे मान लेते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हम लोगों ने पढ़ा था, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है कि पूरा जो फ्लावर है वो हमेशा बंद रहता है। अब बंद रहता है तो वो एयर के कॉन्टेक्ट में तो आएगा नहीं, तो उसके पॉलन ग्रेन को हवा कैसे ले जाएगा, उड़ाकर नहीं ले जा सकता है। तो उसके लिए हवा से, जो हवा के थ्रू अगर पॉलिनेशन कराना है तो स्टेमन और स्टिग्मा दोनों को वेल एक्सपोज्ड रहना होगा। अगर स्टेमन एक्सपोज्ड रहा तभी उसमें से पॉलन ग्रेन को वो हवा उड़ा के ले जाएगा, और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहेगा तभी जाकर के उसके ऊपर वो पॉलन ग्रेन को गिरा सकता है, समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर ये एक्सपोज्ड नहीं रहे तो फिर दिक्कत हो सकती है, पॉलिनेशन का चांस बिल्कुल कम हो सकता है। सो इसीलिए ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए किसी भी फ्लावर के अंदर,
ताकि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। पॉलन ग्रेन को लाइट और नॉन स्टिकी होना होगा, और पॉलन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना होगा, और स्टिग्मा और स्टेमेन जो है वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। तो इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस में दिखता है? मेज में दिखता है ना, ग्रासेस में दिखता है, राइस में दिखता है, वीट में दिखता है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल। सो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स से भी पूछा जा सकता है कि ग्रासेस में किस टाइप का एजेंट काम करता है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर होगा बाय विंड। और हाँ, और एक पॉइंट, विंड के थ्रू अगर होता है पॉलिनेशन तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनिमोफिली, ठीक है, ये सब भी नाम याद कर लेना। विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, वाटर के थ्रू अगर होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। तो इसका नाम तो आसानी से याद हो जाएगा, इसका नाम आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वाटर और हाइड्रो वर्ड तो पहले से कनेक्टेड है। सो वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है, और विंड से अगर होता है तो एनिमोफिली। सो अब हम लोग देखते हैं भाई वाटर से कैसे होता है। देखो, वाटर से पॉलिनेशन होगा तो उसे हाइड्रोफिली कहेंगे। रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग तभी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत कम होता है, क्वाइट रेयर इट इज। सो मोस्टली फाउंड इन मोनोकोटिलेडन्स, और मान लो कि बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो उसमें भी ज़्यादातर मोनोकोटिलेडन्स में होता है, डाइकोटिलेडन्स में तो ना के बराबर होता है, ठीक है। मोनोकोटिलेडन्स पता है ना, जिनमें कोटिलेडन्स का संख्या एक होता है, ठीक है। सो मोनोकोटिलेडन्स में ही अधिकतर देखा जा सकता है वाटर के थ्रू। एक तो ये होता नहीं है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, अगर होगा भी तो किसमें होगा? ज्यादातर मोनोकोटिलेडन्स में, डाइकोटिलेडन्स में ना के बराबर, ठीक। इट इज क्वाइट कॉमन इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कॉमनली यही देखा जाता है, हाइड्रोफिल ही देखा जाता है, ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में। और ये भी सवाल उठ रहा होगा मन में कि एल्गी और ब्रायोफाइट तो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, आपने तो कहा था कि एंजियोस्पर्म से फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो यहाँ पर ये बात सही है कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, लेकिन गैमेट्स वो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, गैमेट्स तो वो भी प्रोड्यूस करते हैं। तो गैमेट का जैसे यहाँ भी अगर हम लोग पॉलन ग्रेन ले लें तो पॉलन भी तो मेल गैमेट है ना। सो यहाँ पर भी गैमेट का ट्रांसफर होगा, और उसके लिए उसे वाटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। यानी कि मान लो कि एल्गी और ब्रायोफाइट सिर्फ वाटर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए मोस्टली मैक्सिमम उसमें वाटर के थ्रू ही होता है, 100% मान सकते हो कि उसे वाटर पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है एल्गी और ब्रायोफाइट्स को गैमेट के ट्रांसफर के लिए। समझ में आ गया? द पॉलेंस मस्ट हैव म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। अब देखो, वाटर का भी एक, वाटर से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर्स में उसके पॉलन ग्रेन में भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जिसके वजह से उसमें वाटर के थ्रू ही होता है। सो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए पॉलन ग्रेन का? सो पॉलन ग्रेन्स मस्ट हैव म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। पॉलन ग्रेन में एक म्यूसिलेज का कवरिंग होना चाहिए उसके, जो कि उसको भिगा ना सके, ठीक है, पानी से ही होकर गुजरेगा लेकिन वो भीगेगा नहीं, ठीक, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑयली कवरिंग होगा, म्यूसिलेज का कवरिंग होगा। वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा और हाइड्रिला, इन तीनों का एग्जाम्पल याद कर लेना, इन तीनों में वाटर के थ्रू ही होता है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स फ्लावर्स डू नॉट कंटेन नेक्टर एंड आर नॉट कलरफुल, ठीक है। विंड और वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में कभी भी फ्लावर्स जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और ना ही वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। ग्रास का कलरफुल देखे वो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसको कलरफुल होने की जरूरत ही नहीं है, और नेक्टर भी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है एक फ्लावर का जूस, ठीक है, जिसे जिसे खाने के लिए उस पर इंसेक्ट्स यानी कि हनी बी या बटरफ्लाई उस पर बैठते हैं, ठीक है। अब हनी बी और बटरफ्लाई से इसको मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि विंड और वाटर इसको फ्री में काम कर दे रहा है, ठीक है ना। सो हनी बी और बटरफ्लाई से इसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको बटरफ्लाई और हनी बी इसीलिए फ्लावर पर बैठते हैं क्योंकि उससे वहां से नेक्टर मिलता है। और कलर क्यों, कलरफुल क्यों होता है? क्योंकि वही कलर जो है हनी बी और बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पर वो सब कुछ नहीं चाहिए, ना बटरफ्लाई चाहिए ना हनी बी चाहिए, उसका तो वाटर और विंड से काम चल जा रहा है, तो उसे नेक्टर को भी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, और उसको कलरफुल होने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, इसीलिए जो है विंड और वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो होते हैं ना तो नेक्टर प्रोड्यूसिंग होते हैं और ना कलरफुल होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था एबायोटिक एजेंट से होने वाले पॉलिनेशन के तरीके। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन कैसे होता है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब हम लोग देखते हैं बायोटिक एजेंट्स के बारे में। तो बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या है? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स। ठीक है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, बर्ड से भी हो सकता है और एनिमल्स से भी। इंसेक्ट्स में सब आ जाएंगे, जैसे हनी बी, बटरफ्लाई, मॉथ, एंट्स, है ना, वो सारे इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। बर्ड्स में क्या आ जाएगा? बर्ड्स में जैसे हमिंग बर्ड, वो सब आ जाएंगे, छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं। एनिमल्स में कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। बाय इंसेक्ट्स से अगर होता है तो उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। ठीक है, याद रखना ये टर्म, एंटोमोफिली। इंसेक्ट से होता है तो उसे एंटोमोफिली, बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली, और एनिमल से होता है तो उसे जूफिली कहते हैं। ठीक, याद रखना, अगर विंड से होता है तो उसे एनिमोफिली, वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होता है तो एंटोमोफिली, बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली, एनिमल से होता है तो जूफिली। ठीक है, ये सारे टर्म्स याद करना। फिर नेक्स्ट है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट्स। अधिकतर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही होता है। बस कुछ ही ऐसे प्लांट है जिनमें के ए बायोटिक एजेंट्स से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ए बायोटिक एजेंट्स में भी सिर्फ एयर से जो है ज़्यादातर होता है और वाटर से तो बिल्कुल रेयरली होता है ना। सो बायोटिक एजेंट में क्या क्या आ जाएगा? इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल्स। ठीक है, अधिकतर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट से ही होता है। बायोटिक एजेंट में भी सबसे ज़्यादा किससे? इंसेक्ट से। समझ में आ रहा है? मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट्स। फ्लावर्स मस्ट बी लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। ठीक है, फ्लावर्स मस्ट बी लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, स्टिकी। इसके जो फ्लावर्स हैं ये भी अगर देखो, एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन कराने के लिए उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग था, तो इसी तरह बायोटिक एजेंट से अगर हमको पॉलिनेशन कराना है तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनसे अलग होना चाहिए। तो इनका क्या क्या फीचर है देखो, फ्लावर्स मस्ट बी लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर एंड स्टिकी। क्योंकि बायोटिक एजेंट से हो रहा है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा किसी फ्लावर के पास। ठीक है, वो किसी मकसद से ही आएगा तो उसे अट्रैक्ट करना होगा। कितने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए? बड़ा होना चाहिए इनका साइज, ठीक है, फ्लावर का साइज, ताकि किसी भी इंसेक्ट को जो है वो दूर से दिखाई दे कि वहाँ एक फ्लावर है। ठीक है, दूर से ही दिखाई दे। दूसरा क्या होता है? कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल किसी भी चीज़ का अगर कलरफुल होता है तो उसे हर कोई अट्रैक्ट करता है। जैसे फ्लावर्स लगे होते हैं तो हम लोग भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं ना। सो इसलिए कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंट होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा सेंट होना चाहिए। अधिकतर में होता है सेंट, सब में नहीं हो पाता है, लेकिन अधिकतर लार्ज होता है, कलरफुल होता है ना, फ्रेग्रेंट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड रिच इन नेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसमें नेक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उस नेक्टर को ही कंज्यूम करने के लिए इंसेक्ट्स जो है उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सो नेक्टर तो कंपलसरी है, होना ही चाहिए, लेकिन कोई भी फ्लावर में नेक्टर है कि नहीं ये तो पहले इंसेक्ट देखने नहीं जाएगा। तो सबसे पहले उसे अट्रैक्ट करना होगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए उसे कलरफुल होना होगा, फ्रेग्रेंट होना होगा ना। कलरफुल, फ्रेग्रेंट और लार्ज होना ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट होने के बाद तब उसे पता चलेगा कि यहाँ पर नेक्टर भी है, है ना। अगर मान लो कि अगर सिर्फ उसे अट्रैक्ट कर लिए और उसे वहाँ पर नेक्टर नहीं मिला तो फिर वो दोबारा वहाँ वापस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सो दोनों जरूरी है, उसका कलरफुल और फ्रेग्रेंट होना भी जरूरी है और उसमें नेक्टर होना भी जरूरी है। समझ में आ गया? और इसका जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिकी होना चाहिए। एनिमोफिली में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, विंड वाले में, कि वो नॉन स्टिकी होना चाहिए ना, चिपकना नहीं चाहिए। लेकिन जो ये वाले फ्लावर्स हैं जिसमें बायोटिक एजेंट से होता है, इंसेक्ट से होता है, उनके जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, कभी भी देखे होगे कि बहुत सारे फ्लावर को टच करते हम लोग तो हाथ में येल्लो येल्लो कलर का लग जाता है ना, हाथ में येलो कलर का उसका पॉलन लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं, ठीक है, चिपकने वाले होते हैं। सो व्हेन एन इंसेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ अ फीमेल फ्लावर द पॉलन स्टिक ऑन इट्स बॉडी। जब जब कोई इंसेक्ट किसी मेल फ्लावर की तरफ जाता है
है ना, उसका नेक्टर लेने के लिए, तो उसके बॉडी से पॉलन ग्रेन जो है वो चिपक जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्टिकी है तो आसानी से चिपक जाएगा उसके बॉडी से। अब वो इंसेक्ट जो है वो उड़ता हुआ किसी दूसरे फीमेल फ्लावर के पास जा रहा है मान लो, तो फीमेल फ्लावर के पास पहुंचता है, फीमेल फ्लावर्स के पास जैसे ही पहुंचेगा तो उसके स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन का कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बॉडी से पॉलन ग्रेन गिर करके स्टिग्मा में चला जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनेशन इसी को बोलते हैं ना कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिर जाना, तो जाकर के गिर गया पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर, पॉलिनेशन हो गया, समझ में आ गया। फ्लोरल रिवॉर्ड्स, अब देखो इसमें एनिमोफिलस, एनिमोफिली जो हम लोग पढ़ रहे थे विंड पॉलिनेशन की तरह उतनी ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं पड़ती, पॉलन ग्रेन इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, पॉलन ग्रेन हमेशा ज़्यादा अमाउंट में ही चाहिए, लेकिन जितना एयर वाले में चाहिए हो रहा था विंड वाले में उतना इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें बर्बादी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब देखो फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, ये एक टर्म है एनसीईआरटी में, तो ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स, फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब क्या होता है। अब देखो कोई भी इंसेक्ट तुम्हारा काम कर दे रहा है ना, इस फ्लावर का काम कर दे रहा है, पॉलिनेशन में मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई भी इंसान बिना अपने फायदे के किसी का भी काम नहीं करता है, तो इसी तरह इंसेक्ट भी बिना फायदे के बिना मतलब के उस फ्लावर का काम नहीं करेगा, ठीक है, उसका भी अपना स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है, फ्लावर को उसे कुछ देना होगा तब जाकर के वो उसका काम कर देगा। सो फ्लावर क्या देगा, दिस इंसेक्ट द इंसेक्ट्स हेल्प द फ्लावर्स इन पॉलिनेशन, फॉर दिस द फ्लावर्स ऑल्सो प्रोवाइड इट समथिंग दैट यूजफुल फॉर इट, कुछ ऐसा देगा जिसकी उसको जरूरत है, इंसेक्ट को जिसकी जरूरत है, सो इट इज कॉल्ड फ्लोरल रिवॉर्ड। तो जो चीज उसको देगा उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब होता है पुरस्कार, उसका जो काम कर दे रहा है उसके बदले उसे रिवॉर्ड दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है। सो ये कुछ भी हो सकता है, पहला तो है नेक्टर, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि नेक्टर नेक्टर इंसेक्ट्स के लिए जरूरत होता है, क्योंकि इसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, खाना मिलता है ना, सो नेक्टर के लिए बैठेगा। और बहुत सारे इंसेक्ट्स को क्या देता है वो, शेल्टर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि एक होम मान लेते हैं उसका जगह देता है रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि इसमें दो एग्जांपल है शेल्टर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, पहला है एमोर्फोहेलस, एमोर्फोहेलस दुनिया का टॉलेस्ट टॉलेस्ट फ्लावर है, ठीक है, एमोर्फोहेलस इज द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। अब यहाँ पर बहुत के मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि रिफ्लेशिया पढ़े थे, तो रिफ्लेशिया ध्यान से सुनो कि रिफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर है, हम यहाँ टॉलेस्ट लंबाई में बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगर पूरा का बात करें पूरे एरिया का तो उसके हिसाब से रिफ्लेशिया ही सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है लंबाई का, तो लंबाई का अगर बात करें तो एमोर्फोहेलस इज द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, इसे याद कर लेना। ये कितना फीट लंबा होता है, 6 फीट लंबा, यानी कि एक नॉर्मल इंसान से भी लंबा, ठीक है, इतना लंबा होता है, जो कि प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस टू ले एग्स, ठीक है, ये किसी भी इंसेक्ट को अंडा देने के लिए, एग ले करने के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करता है ना, यहाँ पर वो एग्स जो होते हैं वो सेफ होते हैं, क्यों सेफ होते हैं, क्योंकि उसका जो प्रीडेटर्स होते हैं है ना, जो उसका शिकार कर सकते हैं, वो उतने ऊंचाई में जाकर उसको नहीं ढूंढने जाएगा कि उसके अंदर भी कुछ है इंसेक्ट, है ना, 6 फीट ऊपर जाके फिर अंदर देखेगा उतना वो करने नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो एक सेफ प्लेस होता है किसी भी इंसेक्ट के लिए एग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो एमोर्फोहेलस क्या प्रोवाइड करता है, उसको एग लेइंग के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, जिसके बदले एमोर्फोहेलस का क्या फायदा होता है, उसका पॉलिनेशन हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट उसके अंदर जा रहा है, इंसेक्ट अंदर जाएगा तो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिरेगा और उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा, तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है एमोर्फोहेलस टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट लॉन्ग प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है यक्का प्लांट का, तो दूसरा है यक्का प्लांट के एग्जाम्पल, यक्का यक्का प्लांट और एक स्पीसीज है मौत का, वो दोनों एक दूसरे पर इस तरह इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि दोनों में से कोई भी अगर नहीं रहा है ना, मान लो यक्का प्लांट नहीं रहा तो
तो वो मॉथ जो है अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा, और अगर मॉथ नहीं रहा वो वाला तो यक्का प्लांट अपना लाइफ साइकिल है ना, यक्का प्लांट अपना लाइफ लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, यक्का प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ वो मॉथ ही करेगा, और ये मॉथ जो है ना, ये मॉथ जो है वो अपना रिप्रोडक्शन के लिए यक्का प्लांट पर, वो अपना एग जो है वो यक्का प्लांट में ही ले करेगा। ठीक है, सो अगर दोनों में से किसी एक को भी हटा दिया जाता है, तो अगर यक्का प्लांट को हटा दिए तो वो मॉथ का स्पीसीज भी हट जाएगा, और या फिर उस मॉथ को पूरा कंप्लीट कर दे अर्थ में से, तो यक्का प्लांट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इंटरडिपेंडेंट है, इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो, ये समझ में आ गया ना, इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, सो यहां पर हम लोगों का खत्म होता है पॉलिनेशन के एजेंट्स है ना, जो एजेंसीज हैं पॉलिनेशन के, उसके बारे में हम लोग का पढ़ाई यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऑटोगेमी है ना, ऑटोगेमी, जीनोगेमी और जीटोनोगेमी, इन तीनों के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ऑटोगेमी का क्या डिमेरिट है, ऑटोगेमी के कुछ डिमेरिट्स है जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन लाता है, जिसके वजह से कि ऑटोगेमी को यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को ऑमिट किया जा सके, एरिडिकेट किया जा सके, कम से कम किया जा सके, कुछ मॉडिफिकेशन लाते हैं प्लांट अपने आप में। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, तो अभी ये लेक्चर यही खत्म करते हैं। सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ।